हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम स्टडी कर रहे थे बुद्धिस्ट संघा से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जरूर करें चैनल को। बुद्धिस्ट संघा, तो बुद्धिस्ट संघ क्या था? संघ इस्टैब्लिश किया गया ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघ को इस्टैब्लिश किया गया था, बुद्धिस्ट संघ को, सिमिलर टू गण संघ ऑफ महाजनपद। जो जिस तरीके से महाजनपद कार्यकाल में गण संघ था, उसी तरीके से बुद्धिस्ट संघ को भी इस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। जो मोनास्टिक रूल्स वेयर टू बी फॉलोड इन द संघ, और संघ में कुछ मोनास्टिक रूल्स बनाए गए जिन्हें फॉलो करना बहुत आवश्यक था। फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पांच सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल था, वो था कि डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। डू नॉट कवेट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दोनों दूसरों का धन प्रॉपर्टी नहीं लेना है। डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट यूज़ नहीं करना है। डू नॉट टेल अ लाई, सच झूठ नहीं बोलना है। डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट और एडल्ट्री, तो सेक्सुअल मिसकंडक्ट या एडल्ट्री में भाग नहीं लेना है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली लाइफ एंड एंट्री इनटू संघ इज डन थ्रू प्रवज्य और प्रवजी सेरेमनी। तो एक सेरेमनी हो रहा था जहाँ पे हुआ करता था, जिसके तहत वर्ल्डली लाइफ को त्याग करके संघ में एंट्री मिलती थी, जिसे कहा गया प्रवज्य और पवजी सेरेमनी, ठीक है। द हायर ऑर्डिनेशन ऑफ नोवाइस टू रमॉन्क इज डन थ्रू उप संपदा सेरेमनी, और जो हायर ऑर्डर पे जो हायर पोजीशन था मॉन्क का, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सेरेमनी था उसका नाम था उप संपदा सेरेमनी, ठीक है। संघ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, संघ में कौन कौन थे बुद्धिस्ट संघ में? तो याद रखिएगा क्या, मेल मॉन्क से बिल्कुल थे, जिन्हें कहा गया भिक्षुस, ठीक है। लेकिन मेल मॉन्क बनने के लिए, भिक्षुस बनने के लिए फैमिली पर्सन्स परमिशन वॉज रिक्वायर्ड सभी के लिए। फीमेल मॉन्क्स भी थी, भिक्षुनी कहा गया, एंड उपासिका मतलब ले वर्शिपर्स, ठीक। तो ये सिर्फ ले वर्शिपर्स हो सकते हैं, पूजा करने वाले फॉलोअर्स हो सकते हैं, मानने वाले, ठीक। पवराना एंड ओपोस था, पवराना एंड ओपोस था, दैट इज ये क्या था, ये सेरेमनी ऑफ कन्फेसिंग ऑफेंस सिंस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन संघ। तो संघ में जब स्टे कर रहे थे तो उस टाइम क्या कर रहे थे वो लोग, जो अपने कोई पाप किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो उसको कन्फेस करते थे, तो उसका एक सेरेमनी था। तो उस सेरेमनी को कहा गया पवराना और उपोस्था, ठीक है। अगर बात करें टेन ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के दस ग्रेट डिसाइपल्स, महान जो डिसाइपल्स हुए थे, उनके अनुयायी कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं। तो एक है सारिपुत्त, सारिपुत्त वन ऑफ द बुद्धास इनिशियल डिसाइपल, जो शुरुआती डिसाइपल थी ये, अलॉन्ग विथ मौत गल्याना। तो मौता गल्याना के साथ साथ ये भी क्या थे, एक डिसाइपल थे। ही इज गिवन स्टेटस ऑफ सेकेंड बुद्धा इन थेरवादा बुद्धिज्म। तो थेरवादा बुद्धिज्म में सेकेंड बुद्धा का दर्जा दिया गया है किसे, सारिपुत्त को, ठीक है। दूसरे थे आपका मौत गल्याना और महामोगलाना। ही इज अमंग टू चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो दो चीफ डिसाइपल हुए शुरुआती दिनों में, उनमें से एक ये थे। ही अलॉन्ग विद सारिपुत्त वेर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट हैंड ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो मौत गल्याना और सारिपुत्त को क्या कहा गया, राइट और लेफ्ट हैंड ऑफ बुद्धा कहा गया। तीसरे आपके इंपॉर्टेंट थे महाकश्यपा, ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ द संघ, संघ के पिता किसे कहा जाता है, महाकश्यपा को। सिंस वॉज देन सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ संघ, क्यों, क्योंकि जब संघ फॉर्म हुआ सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे। ही लेड संघ आफ्टर बुद्धा, बुद्धा के बाद इन्होंने संघ को लीड भी किया, ठीक है। बुद्धास डेथ, ठीक है, प्रिसाइडेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड भी किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, तो 483 BC में हुआ था, पिछले वीडियो में देखा था। राजगिरी में हुआ था, किंग उस टाइम आजाद शत्रु थे हरियाणा डायनेस्टी, और महाकश्यप ने उसे ये प्रिसाइड किया था। और सुत एंड विनय पिटाका को कंपाइल किया गया, विनय पिटाका को कंपाइल किया गया उपाली के द्वारा, और सुत पिटाका को कंपाइल किया गया आनंद के द्वारा। तो ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आनंद ये कौन थे, ये भी क्या डिसाइपल थे। ही इज ऑल्सो नोन एज ट्रेजरर ऑफ धम्मा, धम्मा के ट्रेजरर के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू गुड मेमोरी ही अटेंड एनलाइटमेंट अंडर महाकश्यप, और महाकश्यप के अंडर रह के इन्हें भी एनलाइटमेंट मिला। ही इज क्रेडिट फॉर इंक्लूजन ऑफ वुमेन टू बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म में महिलाओं को शामिल किया गया, तो उसमें आनंद का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फिफ्थ आपका है पूर्ण मैत्रियनी पुत्र, पूर्ण मैत्रियनी पुत्र। ही वॉज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ धर्म और लॉ, धर्म और लॉ का बहुत ही महान शिक्षक थे ये, ठीक है।
फिर छठे आपका अनुरुद्ध अनुरुद्ध वॉज कजन ऑफ बुद्धा, बुद्धा के ये कजन थे एंड वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेथ विथ हिम, और उनके देहांत के वक्त ये साथ में प्रेजेंट भी थे। फिर सातवां था कत्यायना, कत्यायना कहते हैं मोस्टली मेंशन इन महायान टेक्स्ट, तो महायान टेक्स्ट में मोस्टली जिक्र किया गया है कत्यायना का। आठवें इंपॉर्टेंट थे आपके उपाली, ही वॉज अ बार्बर हु मास्टर्ड द विनय मोनास्टिक डिसाइपल, विनय पिटा का, ठीक। तो उपाली कौन थे, एक बार्बर थे बेसिकली, और विनय पिटा का कोच ने क्या किया, मास्टर किया था, कंपाइल भी किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। राहुल वर्ली सन ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के इकलौते बेटे थे राहुल, ये डिसाइपल ही बने बाद में। फिर लास्ट में आपका थे सुभूति, दैट इज ही मास्टर्ड लव काइंडनेस मेडिटेशन एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड डिसाइपल हु वॉज फॉरमोस्ट इन बींग वर्दी ऑफ गिफ्ट, ठीक। मेजर जो स्प्लिट हुआ संघ के अंदर वो अगर हम बात करें तो ये आपका हुआ अस्थावीरवादिना, थेरवादीन ऑर्थोडॉक्स था ये, और एक हुआ महासंघिका, ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स थे। फिर जो अस्थावीरवादिना और थेरवादिना ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था, इसमें फर्दर 11 सेक्ट इमर्ज हुए, अलग अलग ग्रुपिंग कह सकते हैं, 11 अलग अलग ग्रुपिंग बना, जैसे कि सर वस्तीवादिना एक हुआ, हेमवता, छन्न गिरिका, महासी सोका, धर्मोत्तरा, भद्र राज्य ने धर्म गुप्त का, कश्य पिया समित्य एंड वत्स पुत्रया। तो ये था आपका 11 अस्थावीरवादिना और थेरावदीन और ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट सेक्ट के सब सेक्ट। अगर बात करें महासंघिका सेक्ट जो कि अनऑर्थोडॉक्स थे, ये 8 सेक्ट में बटे, जैसे कि लोका तरवादिना, बहुश्रुत्यास, अपरा शैला, उत्तर शैला, चैत्य शैला, एकव्य हारिकास एंड प्रजनपति वादिना, कुकुतिकास, ठीक है। इन लेटर फेज इट इमर्ज एस महायान बुद्धिज्म, बाद में यही क्या हुआ, महायान बुद्धिज्म के रूप में इमर्ज होता है। फर्स्ट 5 डिसाइपल्स ब्राह्मणास एलोंग विथ हु इज स्टार्टेड तपस्या एट गया, तो पहले 5 डिसाइपल कौन थे, वह ब्राह्मण जिन्होंने गया में तपस्या स्टार्ट की थी भगवान बुद्ध के साथ, वो थे आपके कंदनज, महानामा, बदिया, असजी एंड वप्पा, ठीक है। वेमन डिसाइपल्स की बात करें तो गौतमी फर्स्ट वेमन डिसाइपल जो उनकी माता थी, विशाखा, फिर मल्लिका प्रसन्नजीत की वाइफ थी वो भी डिसाइपल बन गई, फिर खेमा बिंबिसार की वाइफ थी, आम्रपाली वजह गनिका, ठीक है, और सुजाता ऑफर्ड खीर एट गया, गया में जिसने भगवान बुद्ध को खीर ऑफर की थी सुजाता, वो भी क्या हुआ डिसाइपल बन गई, ठीक। फिर क्या हुआ महासंघिका, महासंघिका ही बाद में जाकर महायान का फॉर्म लेता है, यहाँ भी डिवीजन होता है, एक हो गया मध्यमिका, ये डिवाइड किया गया नागार्जुनों के द्वारा, गेव कंसेप्ट ऑफ शून्यता, तो नागार्जुन ने क्या दिया शून्यता, शून्यवाद का कंसेप्ट दिया जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि कुछ भी नहीं है यूनिवर्स में, नथिंग। और एक और हुआ योगचारा और विजनवाद फाउंडेड बाई मैत्रियना था, ठीक है। इन लेटर फेज अदर सेक्ट्स इमर्ज्ड आउट ऑफ महायान बुद्धिज्म, बाद में फिर महायान बुद्धिज्म से क्या होता है अलग अलग सेक्ट निकला, जैसे कि जैन सेक्ट, वज्रयान, ठीक है, वज्रयान में क्या हुआ तंत्रयान, मंत्रयान और कल्चकरयान, ठीक है। तो अगर हम सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म की देखें तो एक हीनयान और महायान दो इम्पॉर्टेंट सेक्ट था, ठीक है। हीनयान में क्या हुआ था, हीनयान मॉन्क्स वेर नोन एज अरहत, हीनयान मॉन्क को क्या कहा गया अरहत कहा गया, ठीक है। बुद्धा गिव हिम ह्यूमन स्टेटस, बुद्धा गिवन ए ह्यूमन स्टेटस, तो हीनयान ने क्या किया बुद्धा को एक ह्यूमन स्टेटस दिया गया, मानव का दर्जा दिया है। वेनरेशन ऑफ स्तूपा एंड रिलिक्स, तो स्तूपा और रिलिक्स की पूजा की गई, यहाँ पर आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा अब्सेंट था, एन आइडियल ऑफ डिवोशन, आइडिया ऑफ डिवोशन भक्ति श्रद्धा का एक आइडिया था, कंसेप्ट था, ठीक है। मेन लैंग्वेज क्या था पाली था, मेन लैंग्वेज क्या था पाली था, एंड ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था ये बेसिकली, ठीक है। अगर महायान की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वास, ठीक है, बोधिसत्वा का कंसेप्ट यहाँ पे इन्होंने दिया। बुद्धा वॉज गिवन डिवाइन स्टेटस, बुद्धा वॉज गिवन डिवाइन स्टेटस, ठीक है। वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास, यहाँ पे बुद्धा और बोधिसत्वा को वर्शिप किया गया। प्रेजेंस ऑफ आइडल वर्शिप, ठीक है, आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा किया गया यहाँ पे, एंड आइडल ऑफ डिवोशन,
मेन लैंग्वेज यहाँ पे संस्कृत यूज किया गया, तो महायान ने क्या किया, संस्कृत यूज किया गया, मोर लिबरल नेचर, थोड़ा सा लिबरल थे ये, ठीक है। प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट फॉलोज बिलोंग टू महायान सेक्ट, तो प्रेजेंटली क्या है, मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट है वो महायान सेक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर एक है मध्यमा स्कूल, तो मध्यमा स्कूल फाउंड किया गया नागार्जुना के द्वारा, इट इज़ बेस्ड ऑन शून्यता डॉक्ट्रिन, तो शून्यवाद पे बेस्ड ये स्कूल चलाया गया, मध्यमा स्कूल कंसेप्ट। शून्यता डॉक्ट्रिन क्या था कि नो परमानेंट सब्जेक्ट एग्जिस्ट, कोई परमानेंट सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ दिस स्कूल आर चंद्रकीर्ति शांति देव, तो प्रोमिनेंट स्कॉलर इस स्कूल के कौन थे, चंद्रकीर्ति शांति देव, ठीक है। फिर एक स्टार्ट हुआ योगचारा स्कूल, योगचारा द वे ऑफ योगा और यूनियन और विजनवदा डॉक्टर ऑफ कंसाइस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंसाइसनेस, ये फाउंड किया गया मैत्रेय यनाथा के द्वारा, ठीक है। दिस स्कूल इम्फोसाइज स्टडी ऑफ विज्ञान पति मात्रा दैट इज कॉग्निशन, ठीक है। त्रिस भाव दैट इज थ्री ऑफ सेल्फ नेचर एंड अलय वजी नामा दैट इज वेयर हाउस कॉन्शियसनेस एंड थ्योरी ऑफ एट कॉन्शियसनेस। इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की बात करें तो असंग, वसुबंधु, दिगनाग एंड धर्मकीर्ति। फिर थेरवादा बुद्धिज्म की अगर बात करें, थेरवादा बुद्धिज्म ये अल्टीमेट गोल क्या था इसका, इसके अनुसार इज सेसेशन ऑफ क्लेश एंड अटेनमेंट ऑफ क्लेश का खत्म हो जाना एंड अटेनमेंट ऑफ स्टेट ऑफ निर्वाणा, निर्वाणा के स्टेट को प्राप्त कर लेना जहाँ पे जन्म और मृत्यु का जो साइकिल होता है उससे मुक्ति मिल जाता है। क्लेश इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच इंक्लूड्स एंजाइटी, क्लेश वह अवस्था है माइंड की जिसमें एंजाइटी होती है, एंगर होता है, फियर होता है, जेलसी होती है, डिजायर होती है, डिप्रेशन होता है, तो इससे मुक्ति आपका मेन अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ठीक है। सोमंथा एंड विपासना, सोमंथा एंड विपासना फॉर्म एसेंशियल पार्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ, एट फोल्ड पाथ के एसेंशियल पार्ट कौन फॉर्म कर रहे थे, सोमंथा एंड विपासना। इट एक्सप्लेन्स कंसेप्ट ऑफ सत्य विशुद्धि, तो सत्य विशुद्धि के कंसेप्ट को इसने एक्सप्लेन किया गया। सेवन स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन टू अटेन सर्वेशन, तो सर्वेशन को अटेंड करने के लिए सेवन स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन बताया, ठीक है। पाली इज द सैक्रेड एंड प्राइमरी लैंग्वेज, जो थेरवादा बुद्धिज्म का सैक्रेड और प्राइमरी लैंग्वेज क्या था, पाली भाषा था। इट इज मच मोर क्लोजर टू ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, और ओरिजिनल बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग से ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजर था थेरवादा बुद्धिज्म। इट इज़ मोर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इन कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड श्रीलंका, तो थेरवादा बुद्धिज्म कहाँ देखने को मिलेगा, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड श्रीलंका, ठीक है। वज्रयान बुद्धिज्म, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हिंदुज्म, तो वज्रयान बुद्धिज्म में थोड़ा सा हिंदुज्म का इन्फ्लुएंस आ चुका था, ठीक है। मेन डिटी की बात करें तो यार तारा जो कि फीमेल थी, ठीक है। इट बिलीव्ड इन एक्वायरिंग मैजिकल पावर ऑफ लिबरलाइजेशन, तो ये विश्वास करते थे कि मैजिकल पावर होता है फॉर लिबरलाइजेशन, मुक्ति पाने के लिए एक मैजिकल पावर। इट रीच इट्स जेनिथ इन तिब्बत, तिब्बत में अपने टॉप पे पहुंचा। इट वॉज टेकन टू तिब्बत बाय पद्म संभवा, तो पद्म संभवा द्वारा इसे तिब्बत में ले जाया गया, ठीक है। तंत्र मंत्र एंड यंत्र आर द मेन टूल टू अटेन सल्वेशन इन अ फास्टर मैनर इन अ सिंगल लाइफ टाइम, अगर एक ही लाइफ टाइम में आपको फास्टर तरीके से मुक्ति चाहिए तो तंत्र मंत्र और यंत्र एक तरीका है, ये कहा गया वज्रयान बुद्धिज्म में, ठीक है। फिर आता है जैन बुद्धिज्म, जैन बुद्धिज्म क्या था कि इट बिगेन एज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, इट बिगेन एज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, एक डिफरेंट स्केल स्कूल के रूप में उभरा ड्यूरिंग टैंग डायनेस्टी ऑफ चाइना, चाइना के टैंग डायनेस्टी में, ठीक है। कोर फिलोसफी का क्या था कि ऑल ह्यूमन्स आर बुद्धा, सभी ह्यूमन क्या है, बुद्धा है। ऑल दे नीड टू डू इज डिस्कवर दिस फैक्ट बाई देमसेल्फ, बस उनको क्या करना है, ये जो फैक्ट है ना उसको खुद से ढूंढना है, ढूंढ लेगा तो वो खुद को रियलाइज कर लेगा, ठीक है। बोधि धर्मा वॉज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ जैन फिलोसफी, तो जैन फिलोसफी के फादर किसे कहा गया, ये कहा गया बोधि धर्मा को। ही ब्राउट इट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, और वही जो है चाइना से इंडिया इसको लेकर आते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द फिलोसफी इज मेडिटेशन टेक्निक, जिसे कहा गया चाइनीज में जैजेन, ठीक है। बोधिसत्वा, तो बोधिसत्वा आर इंडिविजुअल हु सीक्स इनलाइटमेंट, बोधिसत्वा वह इंडिविजुअल है हु सीक्स इनलाइटमेंट, जिन्हें इनलाइटमेंट की जरूरत पड़ती है। ही इज़ एन इंडिविजुअल फुल ऑफ कंपैशन, वह इंडिविजुअल है जिसके अंदर बहुत सारा कंपैशन है लोगों के प्रति। एंड अटेंड न्यूमरस परम मित्रास, परफेक्शन उन्होंने अटेंड कर लिया है। हु इज ऑन पाथ ऑफ बिकमिंग अ बुद्धा, वो बस बुद्धा बनने वाला है, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु हैड अटेंड ग्रेट विजडम बट रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द फाइनल स्टेप टू निर्वाणा, यह वह इंडिविजुअल है जिसने बहुत ही ग्रेट विजडम ज्ञान की प्राप्ति कर ली है बट खुद को रोके हुए हैं,
जो फाइनल स्टेज जो फाइनल स्टेप है निर्वाणा तक पहुँचेगा खुद को रोके हुए क्यों एंड चूजेस टू एक्टिवली इंगेज विद द वर्ल्ड फॉर लॉन्ग टू हेल्प अदर्स टू अचीव निर्वाणा. क्यों खुद को रोके हुए ताकि दुनिया में बने रहें और दूसरों को भी हेल्प करें निर्वाणा अटेंड करने में. जैसे कहा गया बोधि सत्वा कहा गया. ठीक है अब बोधिसत्वा की बात करें तो टोटल 8 बोधिसत्वा है जो यहाँ आपको ध्यान रखना है. एक है अवलोकितेश्वर. अवलोकितेश्वर ऑल्सो नोन एज पद्मपाणि भी कहा गया है लोटस बेरर. ही इज बोधिसत्वाज ऑफ कंपैशन. तो ये कंपैशन के बोधिसत्वा है अवलोकितेश्वर. ठीक है तो ही इज कॉल्ड लोकेश्वर इन थेरवाद बुद्धिज्म. जो दूसरे बोधिसत्व है वो आपका वज्रपाणि. ही इज कंसिडर्ड टू हैव ऑल द पावर ऑफ बुद्धास एंड 5 तथागत. तो ऐसे माना जाता है कि इनके पास बुद्धा और 5 तथागत के सभी पावर्स हैं. ही होल्ड अ वज्र और थंडर बोल्ट इन द हैंड. हाथ में ये वज्र या थंडर बोल्ट होल्ड कर रखे हुए. ठीक है तीसरे बोधिसत्व है आपका मंजूश्री. वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डिटीज विद बुद्धा. ठीक है ये वन ऑफ द 3 जो 3 प्रोटेक्टिव डिटीज है बुद्धा के साथ अलॉन्ग विथ अवलोकितेश्वर एंड वज्रपाणि. ठीक है ही इज बोधिसत्व विस्टम. तो विस्टम के बोधिसत्व कौन है मंजूश्री विथ फ्लेमिंग स्वॉर्ड होल्डिंग द राइट हैंड. राइट हैंड में क्या है फ्लेमिंग स्वॉर्ड है तलवार है. 4th है आकाश गर्भ एसोसिएटेड विथ एलिमेंट ऑफ स्पेस. स्पेस के एलिमेंट से ये जुड़े हुए हैं आकाश गर्भ सामंत भद्र. वन ऑफ शाक्य मुनि ट्रिनिटी अलॉन्ग विथ बुद्ध एंड मंजूश्री ही इज लिंक टू द प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन. ये प्रैक्टिस और मेडिटेशन जुड़े हुए सामंत भद्र. फिर वसुधारा ही इज एसोसिएटेड विथ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड अवर्डेंस. ही इज पॉपुलर इन नेपाल. नेपाल में बहुत इनका पॉपुलर है वसुधारा. क्षिति गर्भ ही इज द बोधिसत्व ऑफ मोटल्स. द मोटल्स की बोधिसत्व है. ही इज सेवियर ऑफ द ऑपरेस्ट एंड डाइंग. जो ऑपरेस्ट है डाइंग है उसके ये क्या है सेवियर है रक्षक है. फिर 8th बोधिसत्व है सीत पत्र जो कि फीमेल है. ठीक है तो वर्शिप्ड इन बोथ महायान एंड वज्रयान. तो सीत सीता पत्र फीमेल जो कि महायान और वज्रयान में दोनों इनका पूजा किया गया. सी एज फेयर्स फियर्स थी टेरिफाइंग गॉडेस गार्डन में फ्लेम्स ए क्रशर ऑफ एनिमीज एंड डेमन कहा गया. ठीक है यहाँ दिया हुआ कि परमितास ये क्या होता है. परमितास आर परफेक्शंस और ट्रांसडेंटल वैल्यूज. ये क्या हो गया परफेक्शंस और ट्रांसडेंटल वैल्यूज हो गया. प्रैक्टिस बाय बोधिसत्व जो बोधिसत्व प्रैक्टिस करते थे. ठीक है इन एडवांस स्टेजेस ऑफ देयर एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट के जब एडवांस स्टेज में पहुँच के वो जो परफेक्शन या कोई कह सकता है एक तरह से प्रैक्टिस हो गया. ठीक है उसे वो परफेक्शन अचीव करने के लिए प्रैक्टिस किया करते थे. उसमें से 10 इंपॉर्टेंट सार वो क्या था दान. दान मतलब क्या हो गया जेनरोसिटी गिविंग ऑफ वन सेल्फ. दान किया करते थे. सीला मतलब वर्चू मोरालिटी गुड कंडक्ट के लिए. ठीक शांति पेशेंस एंड फॉरबियरेंस टॉलरेंस आता था उससे. वीडियो ये मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी था. ध्यान करते थे फॉर मेडिटेशन दैट इज मेडिटेशन. प्रज्ञा विस्टम. ठीक है उपाय कौशल्य ये स्किलफुलनेस इन मींस. फिर प्राणी धर्म डिटर्मिनेशन बाला बल पावर एंड ज्ञान नॉलेज. ठीक है अगर बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में दो तरह के होते हैं. एक होता है कैनोनिकल लिटरेचर एक होता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर. तो कैनोनिकल मतलब क्या हो गया कि जिसमें बेसिकली रिलीजियस फिलॉसफी लिखा गया है जैसे कि सुत पटाका. सुत पटाका कंसिस्ट ऑफ मेन टीचिंग ऑफ धम्मा ऑफ बुद्धा. तो यहाँ पे क्या है बुद्धा के जो धम्म है धम्म पॉलिसी उसकी मेन टीचिंग लिखा हुआ है. डिवाइडेड टू 5 निकाय. तो सुत पटाका को 5 निकाय में बांटा गया है. इट वॉज कम्पोज बाय अनंत ने इसे कम्पोज किया था सुत पटाका को. 5 क्या क्या है तो अंगुत्तर निकाय दिघ्घ निकाय खुद्दक निकाय मझिमा निकाय और संयुक्त निकाय. अंगुत्तर निकाय में क्या लिखा हुआ है कि डील्स विद द न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपद. तो न्यूमेरिकल्स के बारे में लिखा हुआ है और 16 महाजनपद के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है अंगुत्तर निकाय से. दिघ्घ निकाय में क्या लिखा हुआ है डील्स विद द लॉन्ग डिस्क्लोजर्स उसके बारे में लिखा हुआ है. खुद्दक निकाय में क्या लिखा हुआ है डील्स विद द माइनर कलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है फिर मंचिमा निकाय डील्स विद द मिडिल लेंथ एंड समयुक्त निकाय डील्स विद द कनेक्टेड डिस्कोर्स ऑफ बुद्धास. ठीक है एक हो गया सुत पटाका. एक आपका होगा विनय पटाका. इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू द मोनास्टिक लाइफ ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स. मॉन्क्स एंड नन्स तो मॉन्क्स एंड नन्स जो साधु और नन्स होते थे उनके मोनास्टिक लाइफ में क्या क्या रूल्स ऑफ कंडक्ट होना चाहिए डिसिप्लिन क्या होना चाहिए वो सब लिखा हुआ है विनय पटाका में. और ये कंपोज किया गया था उपाली के द्वारा और ये भी बटा हुआ है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू
सुत क्या लिखा हुआ, सुत विभंग, ठीक है। इसमें क्या है, कंटेंस रूल्स ऑफ विक्षुस एंड विक्षुनी के लिए लिखा हुआ। फिर एक खंदक, खंदक में क्या है बेसिकली महाभाग, इसमें लिखा हुआ डिटेल्स अबाउट बुद्धास अवेकनिंग। और कल्पवाग, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है। और फिर परिवारा, परिवारा मतलब एनालिसिस ऑफ रूल्स मेंशन्ड इन सुत विभंग एंड खंदका में जो रूल्स मेंशन थे उसका एनालिसिस किया गया है परिवारा में। तो ये आपका हो गया विनय पिटाका, तीन भाग में बटा हुआ है, सुत पिटाका, विनय पिटाका और अभिधान पिटाका। इट कंटेंस, इसमें क्या है अभिधान पिटाका में, इट कंटेंस फिलोसफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ टीचिंग्स एंड स्कॉलरिटी ऑफ मॉन्क्स। तो जो भी टीचिंग्स था, स्कॉलरिटी था, नॉलेज था, उसको सिस्टमेटिक तरह से एनालाइज किया गया है, ठीक है, अभिधान पिटाका में। इट कंटेंस सेवन बुक्स, इसमें क्या है सात बुक है, ठीक है। तो ये था आपका कैनोनिकल लिटरेचर। अगर हम देखें नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में, तो नॉन कैनोनिकल मतलब जो पूरी तरह से रिलीजियस फिलोसफी के बारे में बात नहीं करती है, कुछ उससे थोड़ा सा हट के बात करती है, जैसे कि निदान कथा। तो निदान कथा में क्या है, डील्स विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के लाइफ में बारे में बताया गया है। फिर मिलंद पन्हो, ये क्या है रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन बिटवीन मियंडर, मतलब जिसे मिलिंद कहा गया, और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, याद रखिएगा बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन है और मियंडर, ठीक, ग्रीक रूलर था बेसिकली, तो उनके बीच का जो डिस्कशन था उसका रिकॉर्ड है मिलिंद पन्हो का, ठीक है। फिर वज्र छेदिका, डायमंड कटर, ये महायान टेक्स्ट है कंटेनिंग मेटाफिजिकल राइटिंग्स लिखा हुआ है। ललित विस्तार, ये है फ्लावरी नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा का फ्लावरी नैरेटिव है, महायान टेक्स्ट है बेसिकली ये भी, ठीक है। सूत्र अलंकार, ये है बुक ऑन योगचारा, स्कूल ऑफ असंगा, ठीक है। लंकवतरना सूत्र, ये टेक्स्ट ऑन योगचारा पर लिखा हुआ है। फिर करण दव्युवा, ये भी क्या है महायान टेक्स्ट है दैट क्लोरिफाइज अवलोकितेश्वर, जो अवलोकितेश्वर को क्या करता है बुद्ध, एक बोधिसत्व थे, इनको क्लोरिफाई किया गया। फिर माध्यमिका कड़िका, प्रजन पमिता कड़िका, टेक्स्ट बुक अबाउट माध्यमिका स्कूल, तो माध्यमिका स्कूल के बारे में टेक्स्ट बुक था ये, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। अस्त सहसारिका, प्रजन परमिता, टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग स्पिरिचुअल परफेक्शन इन बोधिसत्वस, ठीक है। फिर है सदर पुंडरिका, सदरम पुंडरिका, ये भी क्या है एक महायान टेक्स्ट है कंटेनिंग लॉन्ग सीरीज ऑफ डायलॉग्स, ठीक है। फिर विशुद्धि मार्ग, विशुद्धि मार्ग, ये लिखा गया बुद्ध घोष के द्वारा अबाउट प्यूरिटी ऑफ डिसाइपल टू निर्वाणा, कैसे डिसाइपल को प्यूरिटी करना है ताकि निर्वाणा मिल सके, ये लिखा गया बुद्ध घोष के द्वारा। बुद्ध चरित एंड श्रद्ध श्रद्धोपाद शास्त्र, ये लिखा गया अश्व घोष के द्वारा। नीति प्राकरण, इट इज गाइडेंस बुक अबाउट बुद्धास टीचिंग। दीपवंशा, फर्स्ट पाली टेक्स्ट रिटन इंटायरली ऑन द सिलोन, श्रीलंका, तो पहला पाली टेक्स्ट था जो इंटायरली लिखा गया सिलोन श्रीलंका में, ठीक है। महावंशा मतलब ग्रेट क्रॉनिकल, इट इज अ पाली इपिक पोएम, तो पाली इपिक पोएम था, पाली लैंग्वेज लिखा गया था। अगर बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो रॉक कट केव, तो इसमें इन्होंने क्या बनाया, चैत्यास एंड विहारास बनाया, जैसे कि अजंता हो गया, इलोरा केव हो गया। स्ट्रक्चर टेम्पल की बात करें तो महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स आर्ट, ये कहाँ पे गया में है। स्कल्पचर की बात करें तो इमेजेस ऑफ बोधिसत्वास बुद्धा, ये सब बनाया गया, जैसे कि सुल्तानगंज बुद्धा, बुद्धास महापरिनिर्वाण एट अजंता। स्तूपा की बात करें तो इट इज सिम्बलाइज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, वर्शिप का एक ऑब्जेक्ट है, परिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, बुद्धा रिलिक्स सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सांची अमरावती, ठीक है। पेंटिंग्स की बात करें तो अजंता मुराल्स एंड पाला मिनीचर पेंटिंग्स, पद्मपाणि, राहुल समर्पण इन अजंता केव, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी देखते हैं तो पति मोक्षा, दैट इज स्पेसिफिक रूल्स, रूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उपोस्था, फॉर्टनाइटली मीटिंग फॉर कन्फेशन, कन्फेशन का जो मीटिंग होता था संघ के अंदर उसके बारे में था। त्री शिक्षा, दैट इज सीला समाधि एंड प्रज्ञा। पसोढ़ा, दैट इज फास्ट ऑन स्पेसिफिक डेज। नेरी गाथा, तिनेरी गाथा पोएम्स बाई एल्डर नंस इन कव दक निकाय, खुदक निकाय, सॉरी खुदक निकाय, ठीक है। फिर क्या है आपका वशुवस, स्टे एट मोनास्ट्री ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो रेनी सीजन के टाइम में जो मोनास्ट्री का स्टे था उसे कहा गया वसुवस। पावरा, दैट इज असेंबली एट द एंड ऑफ वसुवसा फॉर कन्फेशन। फिर आपका ये है कथीना, दैट इज रॉब्स डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट डे ऑफ पावरना, पावरना के लास्ट डे पे जो रॉब्स का डिस्ट्रीब्यूशन था उसे कहा गया। तथागत ऑनरी टाइटल ऑफ बुद्धा, अनंतमन डिनाइल ऑफ बिलीफ इन एक्सटर्नल सेल्फ। अग्रहारिका, दैट इज केयर टेकर ऑफ गिफ्टेड हैंड्स। मगधा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरीज ऑफ
मागधा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्री ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड टाइम में जो डायनेस्टिक हिस्ट्री का मेमोराइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे कहा गया। ठीक है, तो अष्ट महा अस्थाना एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, तो ये आपका अष्ट महास्थान है, जैसे कि लुम्बिनी है, कुशीनगर है, वैशाली है, बोधगया है, सारनाथ है, ठीक है, सर्वस्ती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्लेसेस जो विजिट किया गया बुद्ध के द्वारा, क्या क्या विजिट किया गया, तो लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल, प्रिंस सिद्धार्थ वाज बॉर्न, यहाँ पर जन्म ही हुआ। फिर कपिलवस्तु नेपाल, प्रिंस सिद्धार्थ स्पेंड फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ लाइफ, लाइफ के पहले 30 साल थे वो कहाँ पे, कपिलवस्तु नेपाल में स्पेंड करते हैं। फिर प्राग बोधि दैट इज प्रिंस सिद्धार्थ प्रैक्टिस ऑस्टेरिटीज है, यहाँ पे ऑस्टेरिटीज प्रैक्टिस करते हैं, जो साधुवाद था सब कुछ त्याग करके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं प्राग बोधि में, बिहार में है। फिर बोध गया, बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, निर्वाणा इनको यहाँ पे मिला। फिर सारनाथ यूपी में है, बुद्धा गिव इज फर्स्ट सर्मन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। फिर चंपानगर बिहार में है, बुद्धा टॉट खंदरक सुत एंड सोन दंत सुत हेयर। ठीक है, गया बिहार, यहाँ पे बुद्धा प्रीस्ट कलामा सूत्र हेयर इन द लास्ट ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, केसरिया सुत स्तूपा बिल्ट एट कसरिया, जो केसरिया स्तूपा बिल्ट है एट प्लेस वेयर बुद्धा डोनेटेड हिज भिक्षा पात्र, जो भिक्षा पात्र था डोनेट किया था। ठीक है, इज द लॉन्गेस्ट स्तूप इन इंडिया, इंडिया में लॉन्गेस्ट स्तूप भी है ये। फिर मथुरा यूपी विजिटेड वर्ली वंस बाई बुद्धा, एक बार विजिट किया गया था। प्रभोस कहाँ पे, बुद्धा स्पेंट 6 रेनी सीजन्स हेयर, यूपी में है। राजगीर इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग बुद्धा प्रीचिंग फेज, संकस्या यूपी में है। बुद्धा डिसेंडेड फ्रॉम तुस्ता हेवन हेयर, कौसाम्बी यूपी में है। बुद्धा स्टेट एंड प्रीच्ड हेयर, सर्वस्ती यूपी में है। मोस्ट विजिटेड प्लेस स्टेट टू 20 रेनी सीजन स्टे किया गया था। ठीक है, इन जीतवाना मोनास्ट्री, कौन सा मोनास्ट्री, जीतवाना मोनास्ट्री, नालंदा बिहार, महाकश्यप। ठीक है, बुद्धा सक्सेसर वॉज कन्वर्टेड हेयर, यहाँ पर कन्वर्ट किया कराया गया था। पटना बिहार विजिटेड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बहुत बार आए यहाँ पे। वैशाली, बुद्धा प्रीच्ड लास्ट सर्मन बिफोर हिज डेथ, डेथ से पहले जो लास्ट सर्मन इन्होंने दिया था वो कहाँ दिया था, वैशाली में ही दिया था। फिर कुशीनगर यूपी में, ये क्या है, बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण हेयर। ठीक है, मुकुट बंधना चैत्य बनाया गया उसके बाद। फिर क्या है, गुड़पा बिहार, बुद्धि सक्सेसर्स महाकश्यपा वेट्स फॉर मैत्रेय हेयर, यहाँ पे महाकश्यपा वेट किया था मैत्रेय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है बुद्धिज्म, तो इसको इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जैनिज्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।